सैमसंग अपने कस्टमर्स को एक अच्छे फोन की क्वालिटी तो देता ही है, साथ ही स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह भी बना चुका है। इसके साथ ही अब सैमसंग एक टीवी का ऑफर भी लेकर आ गया है। जी हाँ, कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग 9 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी नोट 9 को पेश करेगी। लॉन्च इवेंट से पहले इस डिवाइस को लेकर काफी समय से जानकारी सामने आ चुकी है। लीक में फ्लैगशिप डिवाइस के डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी भी सामने आई। वहीं अब एक नए ट्वीट में डिवाइस की कीमत और कलर ऑप्शन की जानकारी मिली है। एक प्रमोशनल पोस्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिसमें इंडोनेशियन कीमत की जानकारी दी गई है इस इमेज में, और 128GB और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत की जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार नोट 9 की कीमत लगभग 64,400 रुपीज है, इंडोनेशियन कीमत होगी। हालांकि इस कीमत में दूसरे मार्केट में ये फोन लॉन्च होगा या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टर में ये भी कहा गया है कि कंपनी इंडोनेशिया में गैलेक्सी नोट 9 के साथ स्मार्ट टीवी देगी, जिसका मतलब ये है कि कंपनी दूसरी मार्केट में भी कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग कर सकती है। वैसे इमेज के अलावा डिवाइस के कलर वेरियंट की जानकारी भी सामने आई है। डिवाइस को मिस्टिक ब्लैक, इंजीनियर ब्लू और एरेस्ट्रियन कॉपर कलर में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार गैलेक्सी नोट 9 में 6.3 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1440x2960 पिक्सल और एक्सेप्ट रेशियो 18.5:9 है। इसके साथ ही ये एक्सनॉक्स 9810 SoC और 6GB रैम के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें 12 मेगापिक्सल कैमरा पैक में होगा। पावर बैकअप के लिए डिवाइस में 4000mAh बैटरी होगी। X9 Tech से हिमांशी की रिपोर्ट। Start your career with us.